हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। हम लोग आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे थे, उसी के सीरीज पर एक नया प्रॉब्लम लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आप चाहे आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड हो, ये क्वेश्चन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं इसका सलूशन। क्वेश्चन दिया हुआ यम इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एन इज इक्वल टू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, एंड प्रूव दैट यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज फोर अंडर रूट एम इनटू एन। ठीक है स्टूडेंट, आइए देखते हैं। हमें जो प्रूफ करना है वो लेफ्ट और राइट से लेकर चलेंगे, ठीक है ना। पहले हम लेफ्ट पोर्शन लेते हैं, दिया हुआ है यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, लेफ्ट और राइट इक्वल कर देंगे, प्रूफ हो जाएगा। तो यम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या, यम क्या दिया हुआ है, टेन थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा, एक ब्रैकेट में। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा साइन। ठीक है, क्लियर। आप देख रहे हैं यहां पे स्टैंड, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा साइन थीटा। ये चीज इसी से कट जाएगा, ये दोनों होगा ऐड, ये हो जाएगा आपका फोर टेन थीटा साइन। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखना है कि ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप कहोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब चूंकि लेफ्ट निकल गया राइट निकालते हैं, फोर अंडर रूट एम इंटू एन, फोर अंडर रूट टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, और ये टेन थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फोर अंडर रूट ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब सॉरी ये होगा ए प्लस बी माइनस, अब इसको टेन को साइन कॉस में तोड़ लीजिए थोड़ा, ये हो जाएगा फोर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। अब इस सिस्टम को ऊपर लिखते हैं, इसको हटा के नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, तो ऊपर हम लिखते हैं। ठीक है, ऊपर लिखते हैं तो ये हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा फोर साइन थीटा कॉमन होगा अगर अंडर रूट के बाहर तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, साइन थीटा कॉमन होता है तो इधर हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा अंडर रूट वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, और ये हो जाता है फोर साइन थीटा, ये हो जाता है आपका वन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा
वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है उसने, तो ये हो जाएगा आपका फोर साइन थीटा इंटू टेन। आप देख रहे हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड था राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, आपको मालूम है लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड आया था आपका फोर टेन थीटा साइन थीटा, और राइट हैंड साइड भी आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 व्हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में है या उसकी इक्वल है, फाइंड आउट थीटा, ठीक है आइए देखते हैं। तो tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है स्टूडेंट, तो यहां tan थीटा इसको लिख सकते हैं 1 tan थीटा, आपको मालूम है यहां सिंपलीफाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू टू टेन थीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा प्लस वन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस वन का इक्वल टू जीरो, ठीक है स्टूडेंट, इसके ऊपर आते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट इज tan थीटा इक्वल टू वन, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, बहुत इजी क्वेश्चन, इसके इसके बीच है इक्वल है आपका आ गया इसी जो आंसर, देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।